विधानसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लिए भिलाई निगम द्वारा शुरू किया गया नवरात्र में नौ संकल्प अभियान के प्रथम दिवस शक्ति स्वरूपा महिलाएं मतदाता जागरूकता अभियान में शामिल हुई। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके युवा महिला मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मतदान करने हेतु प्रेरित करने का संकल्प लिया गया। निगम क्षेत्र के अधिकारियों को आगामी चुनाव में भय व लोभ से मुक्त होकर निष्पक्ष मतदान करने नवरात्रि के प्रथम दिन संकल्प दिलाया गया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर महिलाओं को अधिकाधिक मतदान करने की अपील की, साथ ही अपने परिवार और रिश्तेदारों को मतदान को अपना नैतिक कर्तव्य बताते हुए मतदान करने जागरूक करने का संकल्प दिलाया गया। NULM के सहायक परियोजना अधिकारी सैयद शाहबाज रिजवी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को होने वाले मतदान में 100% मतदान के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय तथा आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर रविवार को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की महिलाओं ने निगम क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर जाकर महिलाओं को अनिवार्य रूप से मतदान के लिए जागरूक किया। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज मातृ शक्ति दिवस के अवसर पर हम सब लोग मिलकर शपथ लेते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी प्रलोभन के बिना किसी डर दबाव के अपनी इच्छा से मतदान करेंगे और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करेंगे। मतदान करना प्रत्येक वयस्क नागरिक का कर्तव्य है जिसका हम सब लोग परिपालन करेंगे। इस योजना के तहत शासन के दिशा निर्देशानुसार हम लोग मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि देखा गया है कि मतदाता चुनाव के समय वोट देने कम संख्या में जाते हैं, जिससे चुनाव का जो प्रतिशत होता है वोट कास्ट का जो प्रतिशत होता है वो ग्रेजुअली कम होता है, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि पब्लिक को में जागरूकता नहीं होने के कारण वोट कास्ट की प्रतिशत कम रही है। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार हम लोग प्रत्येक वार्ड में जो हमारी महिलाएं महिला समूह है उसके माध्यम से मतदाता प्रमाण पत्र को हाथ में लेकर के उनसे संकल्प दिलवाया जा रहा है कि अधिक से अधिक वोट कास्ट करें ताकि हमारे ज़िले का वोट प्रतिशत बढ़े। इस दौरान महिलाएं अपने मतदाता परिचय पत्र को हाथ में लेकर हर एक वोट की भूमिका और महत्व को समझाते हुए मतदान में हिस्सा लेने का संकल्प लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।